दोस्तों, ये वर्कआउट स्केड्यूल उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते वर्कआउट को, या जिनका स्केड्यूल हेक्टिक रहता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या करना है, कितना कितना करना है, सब कुछ। सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप में हमें जंपिंग जैक्स करने हैं। इसमें हम 25 to 100 रेपिटेशंस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर फिटनेस लेवल। अगर आप बिगिनर हो तो आप 25 रिप्स कर सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो तो आप 50 to 100 रेपिटेशंस कर सकते हो। इसमें आपका कम टाइम में जल्दी आप वार्म अप कर सकते हो। अब हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि आपके जॉइंट्स लुब्रिकेट हो जाएं और आपको कोई इंजरी ना हो ड्यूरिंग वर्कआउट। इसमें आपको 10 to 15 रेपिटेशंस करने हर स्ट्रेचिंग, और बीच में आप ब्रीदिंग करते रहना। अब हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप पर। इसमें आप रेजिस्टेंस बैंड से भी कर सकते हो, डंबल से भी कर सकते हो, बारबल से यूज़ कर सकते हो। इसमें वेट आपको अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से चूज करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, इसमें आपको एल्बोस अंदर टक करनी है एंड आपको ऊपर ले जाके फ्लेक्स करना है और नीचे आके एक्सटेंड करना है। जब आप ऊपर आओगे तो आपको इनहेल करना है, नीचे जाके आपको एक्सहेल करना है। और ये ध्यान रहे, इसमें आपके शोल्डर्स मूव नहीं होने चाहिए। ये जो बाइसेप की एक्सरसाइज है तो सिर्फ बाइसेप की मूवमेंट होगी इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ट्राइसेप किक बैक। इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, नीज इसमें आपके सॉफ्ट रहेंगे एंड फिर आपको अब लीन फॉरवर्ड करना है। इसमें आपकी हैंड्स की मूवमेंट्स है, हैंड्स में आपको सिर्फ अपने एल्बोज मूव करने हैं। एल्बोज पीछे जाके एक्सटेंड होंगे एंड ऊपर आपके थोड़ा सा फ्लेक्स होंगे। जब आप ऊपर फ्लेक्स करोगे तो ज़्यादा फ्लेक्स नहीं करना है, वो फिर आपके बाइसेप के लिए होगा। जब आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको एक्सहेल करना है, ऊपर आके इनहेल करना है। और ये एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड्स के लिए करनी है ईच साइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप की, बाइसेप हैमर कर्ल। इसमें आप डंबल्स यूज़ कर सकते हो या तो रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आपको स्ट्रेट खड़ा होना है एंड इसमें आपको अपने एल्बोज टक करने हैं। ऊपर आके आपको फ्लेक्स करना है, नीचे आके आपको एक्सटेंड करना है। ऊपर आने के टाइम पे आपको इनहेल करना है, नीचे जाने के टाइम पे एक्सहेल करना है। ये एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड्स करनी है ईच साइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओवरहेड डबल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसमें आपको सीधे खड़े होना है एंड इसमें आपके नी सॉफ्ट रहेंगे एंड इसमें जो मूवमेंट रहेगी आपकी एल्बोज की मूवमेंट रहेगी एंड आपको सर के पीछे ही मूवमेंट करनी है। सर के ऊपर आपको नहीं आना है, सीधी मूवमेंट नीचे जाएगी, सीधी मूवमेंट ऊपर आएगी, एल्बोज की मूवमेंट रहेगी एंड ये एक्सरसाइज आपको 1 मिनट के लिए करनी है। और इसमें जब आप नीचे जाओगे तो आपको इनहेल करना है, ऊपर आओगे तो आपको एक्सहेल करना है। लास्ट एक्सरसाइज है क्लोज पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स। इसमें सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन बनानी है, हैंड्स आपके क्लोज रहेंगे, बॉडी एक लाइन में रहेगी और नीचे जाके आपको इनहेल करना है, ऊपर आते हुए आपको एक्सहेल करना है। ये एक्सरसाइज आपको 1 मिनट के लिए करनी है। इस वर्कआउट में आपको 3 सेट्स करने हैं और आपको 15 to 30 seconds का रेस्ट लेना है बिटवीन ईच सेट। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद अब हम थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन में आपको सिंपल स्लो वॉक करना है 5 मिनट्स एंड बीच में आप ब्रीदिंग करते रहना ताकि आपका जो हार्ट बीट बढ़ी है, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है, वो नॉर्मल हो सके। अब हम वर्कआउट को एंड करेंगे बाय डूइंग सम स्टैटिक स्ट्रेचिंग। इसमें आपको हर स्ट्रेच को होल्ड करना है 15 to 30 seconds। जहाँ मैं दोनों हाथों को इकट्ठा यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर आपको 30 seconds के लिए होल्ड करना है। जहाँ मैं सिंगल सिंगल हैंड यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे आपको 15 सेकंड्स के लिए करना है ईच साइड। कुछ वीडियो में मैंने दोनों हाथों की नहीं दिखाई है, बट आपको दोनों हाथों की करनी है एंड बीच में आपको ब्रीदिंग करते रहना है।